नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। लोकसभा ने अगले वित्त वर्ष के बजट में अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक या फिर एप्रोप्रिएशन बिल को गुरुवार को बिना किसी चर्चा के मंजूरी दे दी। इस प्रक्रिया के तहत सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश के कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि से पैसे निकालने के लिए अधिकृत किया गया है, ताकि वो कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। बजट की अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक को पारित कराए जाने के दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। लेकिन सवाल है कि आखिर एप्रोप्रिएशन बिल के नाम से जाना जाने वाला यह विधेयक क्या होता है? इस वीडियो में हम आपको इसी विधेयक की जानकारी देने जा रहे हैं। असल में एप्रोप्रिएशन बिल, जिसे हिंदी में विनियोग विधेयक कहा जाता है, एक तरह का मनी बिल होता है, जिसके जरिए सरकार को एक वित्त वर्ष के दौरान अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने की अनुमति दी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 114 के मुताबिक सरकार संसद की मंजूरी हासिल करने के बाद ही इस संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। इसे सीधे शब्दों में अगर कहें तो वित्त विधेयक में सरकार के खर्च के लिए वित्त पोषण संबंधी प्रावधान किए गए जाते हैं और विनियोग विधेयक में पैसा निकालने के लिए राशि और उद्देश्यों का जिक्र किया जाता है। बजट प्रस्तावों और अनुदानों की मांग पर चर्चा के बाद संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में सरकार विनियोग विधेयक पेश करती है। विनियोग विधेयक को पहले लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है और फिर इसके बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा को इस एप्रोप्रिएशन बिल में संशोधन करने की सिफारिश करने की शक्ति हासिल होती है। हालांकि संसद के ऊपरी सदन द्वारा की गई किसी भी सिफारिश को स्वीकार करने या फिर अस्वीकार करने के संबंध में लोकसभा को विशेषाधिकार मिला हुआ होता है। विनियोग विधेयक की एक बेहद खास बात यह भी है कि यह खुद ब खुद निरस्त हो जाता है। एक बार पारित होकर अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद एप्रोप्रिएशन बिल अपने आप ही निरस्त मान लिया जाता है। विधेयक पर चर्चा का दायरा इसके तहत कवर किए गए अनुदानों में निहित सार्वजनिक महत्व या प्रशासनिक नीति से जुड़े मामलों यानी कि जिन मामलों को अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान पहले नहीं उठाया गया था, वहां तक सीमित कहा जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष चर्चा में शामिल होने के इच्छुक सदस्यों से उनके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में पहले से सूचना देने की मांग कर सकते हैं और अपनी राय में जिन मुद्दों पर अनुदान मांगों के समय चर्चा हो चुकी है उनकी फिर से पुनरावृत्ति रोकने के लिए इस प्रकार के मुद्दों पर अपनी अनुमति रोक सकते हैं। तो ये थी लोकसभा से पारित हुए एप्रोप्रिएशन बिल से जुड़ी पूरी जानकारी। अब आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट। नमस्कार।